Say hey, what's up? So hey, what's up, beautiful people? Welcome back to my new video, new moto vlog. तैयार है हमारा आज के दिन. अरे कहना क्या चाहते हो? So hey, what's up, beautiful people? स्वागत है आप सभी का एक न्यू मोटो व्लॉग में. So इस बार हम जो माइक वापर रहे हैं वो है बोया का, जो मैं अभी रिसेंटली जाके लेके आया. तो उसे लगाने में मुझे सच्ची में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुआ यार, बिकॉज वो काफ़ी लॉन्ग रेंज वायर थे उसके. तो कहाँ कहाँ मैं हेलमेट के डाल के रखा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, कोई बात नहीं. बट मुझे काफ़ी एकदम मज़ा आ रहा है आज गाड़ी बाइक चलाने में, बिकॉज गोवा राइड में मैं बाइक वाइक चलाया नहीं. और सेकेंड चीज़, गोवा राइड के बाद जाके बाइक निकाल के तो घूमने निकला हूँ लॉन्ग राइड पर. मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस ही है, इतना भी ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा मैं. तो क्या वो शॉर्ट है था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार. तो फिलहाल अभी हम है वाशी एज यूजुअल, हम हमेशा यहाँ से ही जाते, तो आज भी यहाँ से ही जाएंगे. फिलहाल वी आर प्लानिंग टू गो एट लोनावला. लोनावला के आगे थोड़ा सोच रहा हूँ मैं जाने को. तो आज सात से मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज काफ़ी लेट हो गया, तो सनसेट पॉइंट देख नहीं पाएगा यार ढंग से मुझे. और लोनावला में सनसेट पॉइंट ही देखने काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यार, वहाँ से काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है. सो लेट्स सी, देखते कहाँ तक पहुँच पाते. अगर नहीं पहुँचे तो मैं वहाँ पर अपने जो जगह है मेरे यहाँ पर वहाँ पर स्टे कर लूँगा. सो लेट्स सी. और ये राइट साइड में हमारा हिमालयन यार, मुझे लेना है यार ये बाइक, बहुत सही दिखती है यार. एडवेंचर बाइक के लिए सबसे बेस्ट बाइक मुझे लगी अभी के टाइम पे. बस कुछ साल और इसे बेचने नहीं वाला हूँ. मेरी गोगो को तो बिल्कुल नहीं बेचूँगा, इसको तो रखे रहूँगा यार. चले या मुझे लग रहा है पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट वाशी ब्रिज के आगे मिलता हूँ. अरे ट्रक वाले ने बेचारे इसको भी अटका दिया. बाइक पे बैठ के कार का सनरूफ का मजा ले रही है. सो ओके ओके, ओम जय हनुमान भगवान की जय. जस्ट लुक दैट सनसेट गाइस, रियली ऑसम. सामने माउंटेन्स, राइट साइड में सनसेट, लेफ्ट साइड में झाड़ियाँ, और हम हमारे गोकू पे. सुपर बैल. सो अभी यहाँ पर थोड़ा मैं फ़ोटोज लेने के लिए रुका था, काफ़ी अच्छा सनसेट दिख रहा है सामने, देख रहे हैं आप. थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह लिया गाड़ी के साथ, स्टोरी डाला इंस्टा पे. स्टोरी देखने तो प्लीज़ ये जो आइडिया आते रहेगा इसे फॉलो कर दीजिए, वो काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज देखने मिलेंगे. चलिए थोड़ा स्ट्रेच किया जाए बाइक को आज. सो अभी हम रुके हैं एक होटल में, थोड़ा यहाँ पर नाश्ता वगैरह करेंगे फिर निकलेंगे. अरे सामने गणपति बप्पा मोरिया स्वामी प्योर वेज. चलो अंदर. सो फाइनली खाना काफ़ी टेस्टी था इधर का, एस्पेशली डोसा तो मुझे काफ़ी औसम लगा. तो अभी यहाँ से कुछ 40 मिनट्स का रास्ता है, मैं अभी फ़ोन फिलहाल चार्ज के लगा. हाँ तो यहाँ से अभी कुछ 40 मिनट का रास्ता है हमारा डेस्टिनेशन. तो फिलहाल मैं अभी निकल नहीं रहा हूँ लोनावला, अभी जा रहे हैं हम लोग स्टे करने के लिए एक जगह पे. फिर वहाँ से अगले दिन कल कुछ आफ्टरनून में
तीन या तो 3:30 बजे निकलूंगा मैं, तो तब भी जाएंगे लोनावला, बिकॉज अगर लोनावला जा रहे तो मेन सनसेट ही है वहाँ पर, बिकॉज सनसेट का वहाँ से सनसेट काफ़ी ज़्यादा औसम दिखता है। तो चलो फिर थोड़ा आगे रास्ते में मिलता हूँ, फिलहाल अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो अभी हम लोग काफ़ी नज़दीक है, कुछ 10 या 11 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो पहले यहाँ पर आ चुका हूँ, जैसे कि देखे ही रहोगे ब्लॉग्स वगैरह में मेरे पहले के पुराने ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर फ़िलहाल के रात भर मैं स्टे करूँगा, फिर कल शाम में कुछ 3 या तो 4 बजे निकलेंगे हमारे लोनावला ट्रिप पे, बिकॉज जैसे कि पता है सनसेट इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो चलिए फिर डायरेक्ट कल मिलता हूँ आपको मॉर्निंग में या तो आफ्टरनून में। टिल देन बाय बाय।